ये बर्गनर हाईटेक प्रिज्म ट्रिप्लाई स्टेनलेस स्टील डोसा तवा है। इसमें जो नॉनस्टिक की कोटिंग है वो हनीकॉम्ब पैटर्न से प्रोटेक्ट करती है, उस पर स्क्रैच नहीं आते हैं। कुकिंग के टाइम पर ऑयल कम यूज होता है और खाना चिपकता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये बर्गनर का हाईटेक प्रिज्मा डोसा तवा है, उसका एक्सपीरियंस और उसका रिव्यू। जो मैंने इसे 7 मंथ तक यूज़ कर लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और मुझे इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन भी आए हैं, तो वो सबका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया था इस पर, तो उसमें इसका अनबॉक्सिंग था और इसकी प्राइस कितनी है और ये कोटिंग कैसे बना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़े क्वेश्चन आए हैं, उसका आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन यह था कि इसमें हमें कुकिंग के टाइम पर इसमें फ्लेम कितनी रखनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि जब हम कुकिंग करें तब फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, ताकि इसका जो कोटिंग है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसे डिश वॉशर में धो सकते हैं कि नहीं, ये सेफ है कि नहीं। तो यस, इसे धो सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगी कि आप इसे हाथ से ही इसको वॉश करें। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें वुडन के सिवा स्टील का स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। तो यस, हम इसमें स्टील का स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस कोटिंग है, यानी कि इसमें स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं इसमें वुडन स्पैचुला ही यूज़ करती हूँ, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें सभी प्रकार के डोसे बना सकते हैं, तवा डोसा हो या फिर चीरा हो, ये सभी हम बना सकते हैं। यस, इसमें हम सभी प्रकार के डोसा बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं, कुछ हाई फ्राई करना हो तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये कड़ी दी गई है तो इसमें से वो ऑयल होता है वो अंदर ही रहता है। तो मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे ये तवा कैसा लगा। तो आप जब भी डोसा बनाएं या चीला बनाएं, तो उसके पहले आपको इससे ऑयलिंग का सीजनिंग करना ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे हर डोसे के पहले मुझे इसका ऑयलिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग से सीजनिंग करना पड़ता है इसे। जैसे हम आयरन तवा यूज़ करते हैं, वैसे ही इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इसमें ऑयल कम लगता है और इसमें आसानी से डोसा और सब चीला और वो सब कुछ बन जाता है। अब इसके हैंडल की बात करें, तो इसका हैंडल गर्म नहीं होता, यहाँ तक कि गर्म होता है, आधा ही गर्म होता है, लेकिन यहाँ से तो हम इसे पकड़ ही सकते हैं। तो इसमें हैंडल की ऐसी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टील का है लेकिन इससे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसे वॉश कैसे करें, तो वॉश के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि आप कैसे इसे वॉश कर सकते हैं। इस तवे में जो साइड में ये नॉन कोटिंग स्टील है, उसमें ज़्यादा दाग लगते हैं। तो सबसे पहले जो बीच वाला कोटिंग वाला पार्ट है, उसे नॉर्मल स्क्रब आता है, उससे ही वॉश करना चाहिए। और जो साइड में स्टील वाला पार्ट है, उसे हम जो स्टील का स्क्रब आता है उससे साफ करना चाहिए, तो आसानी से निकल भी जाता है और जल्दी से क्लीन हो जाता है। बस इसी तरह आप पानी से वॉश कर दीजिए। मेरे घर में हर 3-4 दिन के बाद इस तवे का यूज़ होता है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा डोसा है, चीला है, वो सब कुछ बनता है, तो मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और मैंने 7 महीने तक इसे यूज़ किया है। तो बस यही एक है कि जब भी आप डोसा बनाएं, उसके पहले इसे ऑयलिंग करना पड़ेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। जो नॉनस्टिक आती है उसमें वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें खाना हेल्थी भी बनता है और कम लगता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मुझे ये डोसा तवा अच्छा लगा है। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। तो आगे ही मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ जो मैंने यूज़ किया हो और मेरा एक्सपीरियंस हो इसमें। तो प्लीज़ आप मेरी
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।